है वो उनका मिक्सचर वाला काम चल रहा है, सारा चीज आपको दिखा रही हूँ, आप गौर से देखते जाएंगे। और अगर आप मेरे यहाँ आए हैं तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखेंगे। ये मम्मी का है, ये मम्मी नेपाल की फोटो है, जिनको भागवत के टाइम पे इसको प्रोजेक्टर के पास में रखे थे, इसलिए बहुत बड़ा साइज है। और इसको मम्मी के नाती पोते लोग बर्थडे गिफ्ट में दिए थे। और यहाँ पे विदेशी मुद्रा और हमारी फ़ोटो के साथ में एक फ्रेम मैं बना चुकी हूँ, नेपाल का, बनारस का और दार्जिलिंग का, दंतेवाड़ा का, इस तरीके से सारा फ़ोटो को कलेक्ट करके उनकी मुद्राओं के साथ में मैं बना दी हूँ। इस तरीके से ये फ्रेम है, ये भी ना मंदिर के ही पास में है। उसके बाद में ये है कलश जल रहा है, जो कलश हमेशा साथ रहता है, बोलते हैं जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक। अब यहाँ पे आई बूंदी लड्डू, तो बूंदी लड्डू को आप देख ही रहे होंगे, कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। इसको तो ऐसा लग रहा था हमको खाने का मन ही नहीं। माता रानी
रख लगी है, काजू बादाम और ताजी इलायची इस तरीके से सजाए हैं। ये पूरे दिन भर तक प्रसाद के रूप में बनेगा, जो भी बाहर से आ रहे हैं खाना खाने आएंगे सबको बनेगा। और जरूरी नहीं है इसको आज ही खत्म करना है, जितना दिन तक चलते रहे उतना जल्दी से जल्दी इसको खत्म करें। इस तरीके से ये लड्डू को यादगार के लिए बनाए हैं। उनको हर चीज एक एंटीज चाहिए रहती थी, जो भी हो दिवंगत के घर हो या पांचम के परिवार में हो तो एंटिक रहनी चाहिए ताकि लोगों को याद रहे। उस हिसाब से हम भैया को याद करते हुए ये लड्डू को बनाए हैं। तो आप सब भी आइए और लड्डू को प्रसाद ग्रहण करें। अब उसके बाद हमें ले जाना है मंदिर के जस्ट सामने पे लड्डू को, तो उसके लिए हम लोग घर से निकाल रहे हैं और इसको सुंदर थाल पे रखे हुए, थाल के ऊपर चुनरी, चुनरी के ऊपर लड्डू इस तरीके से सजाए हैं। सजाने का तो आप देख ही चुके हैं, ज़्यादा हमें सजाने नहीं आता। और दुख काम के टाइम यार अच्छे अच्छे चीज़ जो है ना वो याद नहीं आता। और इस तरीके से हम रख दिए संभालते संभालते हौले हौले से प्रसाद को, और इसको केक की तरह कटिंग करके हम इसको बांटेंगे प्रसाद में। अब उसके बाद गंगा गए थे, तो गंगा के स्वागत में, गंगा मैया जो आ रही है, मेरा आगमन हो रहा है, उनके स्वागत में यहाँ पे आंगन में चौक डाल देती है। जो डाल रही है वो है ममता दीदी, जो मंझले वाले मामा की लड़की है, पर गोत्री है, तो उनको कुछ कुछ काम करना पड़ता है करके, ये अभी कंटिन्यू डेली थी तो ये उसी को कर रही है, क्योंकि हर सेम गोत्र वाले बहुत से काम को नहीं कर सकते, तो जो दूसरे गोत्र में चले गए हैं उनको करना पड़ता है, तो इन्हीं कारण से वो रुके हुए हैं। अब इन लोग सब लोग पूजा की थाली, लोटा, आचमन के लिए अक्षत फूल, पानी सबको ले के ना हम लोग के पास जाएंगे। हम लोग गंगा गए थे तो गंगा को परघाना पड़ता है, उनका स्वागत करना पड़ता है। अरे माता होती है उनका, दूरों से लाए हैं तो उनको स्वागत करना रहता है। तो उसके लिए हम इन लोग सब लोग जा रहे हैं, मम्मी लोग, और यहाँ से जा के ना उस वाले मकान पे रुके हुए हैं। हम डायरेक्ट गंगा से आते हैं तो डायरेक्ट घर पे नहीं घुस सकते, उनको स्वागत करना पड़ता है, तो इसलिए दूसरे घर पे रुके हैं, सांस्कृतिक भवन पे, स्कूल पे, ग्राम पंचायत में ना रुक के हमारे पास घर है तो हम लोग उसी में रुके हुए हैं। तो हम लोग उधर हैं, आपको दिखेंगे, और ये है सर्विस रोड। सर्विस रोड से जाते जाते आपको मिल जाएगा फ्लाईओवर का पुल, जिसमें आपको लेफ्ट मुड़ना है। लेफ्ट मुड़ के फिर से आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे, उसके बाद में हमारा घर आपको मिलेगा। और ये सारे लोग मेहमान हैं, और आज है 23 नवंबर सन 2022 का दिन है, तो आज के दिन शांति भोज का कार्यक्रम है जिसके लिए सब लोग जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे शांति भोज बोल रही है और बाजा क्यों है करके, तो हमारे यहाँ भाई का कहना था मम्मी जब जाएगी उनका बॉडी रहेगा तो उनका आदर सत्कार से बाजा गाजा से किया जाएगा, लेकिन वो मम्मी के पहले से चले गया तो उनका इच्छा उन्हीं के बॉडी से, उन्हीं की इच्छा से कर दिए, इसलिए बाजे में हम लोग उनकी काठी को भी लेके गए थे और बारात को भी परघा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।